हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब आज से पहले मैं अपने चैनल पे ऐसी वीडियो कभी भी नहीं डाली जो कि कंट्रोवर्सी को प्रमोट करती हो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि ये वीडियो अप्रैल फूल बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड, इस वाली वीडियो को मैं क्यों डाल रहा हूं? और क्यों मैं लोयल एसएमपी को एक्सपोज करने जा रहा हूं? बिकॉज आगे जाके अगर आपको कुछ बात सुनने को मिलती है किसी थर्ड पर्सन से, तो मैं चाहता हूं उससे पहले आप ये वाली वीडियो देखो और आपको सब कुछ बता रहे कि आखिर लोयल एसएमपी में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से लोयल एसएमपी को मैं आज एक्सपोज करने जा रहा हूं। क्या लोयल एसएमपी के वीडियो अब आएंगे और क्या उनमें मैं होऊंगा, इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए हमारी कुछ डिस्कॉर्ड चैट जो कि स्टार्ट होती है बल्की की और मेरी लड़ाई से। अभी रिसेंट में मैं बल्की के साथ गोवा भी गया था, लेकिन वहां पर उसके और मेरे बीच कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और साथ ही साथ हमारे इन गेम एंड पर्सनल लाइफ में भी हमारे बीच कुछ ऐसा चल रहा था जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो इसी चीज को सॉर्ट करने के लिए मैं बल्की को इन गेम बुलाता हूँ और फिर कुछ ऐसा होता है। भाई देख, बात ऐसी है, तेरे को बताएगी, हम दोनों ने मिलकर जब एसएमपी को बनाया था तब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ठीक है। लेकिन अभी चीजें यार बहुत ज्यादा बेकार होती जा रही हैं और मेरे को भाई अब एसएमपी में नहीं खेलना। मेरे से प्रॉब्लम है क्या भाई? कोई ऐसे क्यों बोल रहा है? देख मैं सीधा, तेरे को पता है मैं सीधा मुंह पे बोलता हूँ, तो बात ऐसी है कि हाँ मेरे को तेरे से प्रॉब्लम है और मेरे को तेरे साथ खेलना नहीं है। और मतलब यहीं तक था जो हमारा, वो यहीं तक था जो भी था। ऐसे कैसे तोड़ना हो जाती है भाई? ऐसे तोड़ना बंद हो जाती है? अरे अरे, तो भाई देख मेरा हक बनता है भाई। अगर तू चाहता तो तेरे कहने से ही बंद हो जाती, मैं चाहता तो मेरे कहने से भी बंद हो सकती है। तो भाई मैं चाहता हूँ बंद, दोनों के कहने से बंद होगी ना? हाँ, तो फिर मैं तो चाहता हूँ ना, लेकिन भाई देख नहीं, मैं सीरियस हूँ, मैं सीरियस हूँ। अगर देख तेरे को खेलना है एसएमपी मेंबर से तो दूसरे एसएमपी बना दे, लॉयल एसएमपी की स्टार्टिंग हम तेरे बिना नहीं खेलूंगा, तेरे बिना नहीं खेलूंगा। हाँ तो फिर एसएमपी बंद करते हैं, साफ सीधी बात है। बट मेरे को बात बता, मैंने करा क्या ऐसा? मैंने करा क्या? मेरी गलती तो बता, एसएमपी का कुछ नहीं है। बहुत सी छोटी छोटी बातें मेरे को तेरी बुरी लगी और मैं अब तेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता, ये बात बस। अरे कौन सी लगी ना, मैं इंप्रूव करूंगा उन बातों पे, बता तो सही क्या है। नहीं यार छोड़ भाई, मैंने बहुत टाइम वेट कर लिया, तेरे को करना होता तो खुद कर लेता। देख साफ सीधा मुद्दे पे आते हैं अब, कि मेरे को अब तेरे से बहुत कम बातचीत करनी है। तेरी और मेरी जो पक्की वाली दोस्ती थी वो यहीं तक थी, बट इन द मतलब कभी भी तक मेरी जरूरत पड़े तो मैं आ जाऊंगा। और तीसरी चीज़, मैं एसएमपी बंद इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जिससे कि मेरे को ज़्यादा इंटरेक्शन ना करना पड़े, मतलब तेरे साथ में, और मतलब हाँ बेसिकली तेरे साथ में ही। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एसएमपी बंद हो जाए, बस जितना तेरा हक है उतना मेरा भी हक है, तो मैं चाहता हूँ कि एसएमपी बंद हो जाए बस। चलो एसएमपी तो बंद कर देंगे, उसका मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है एसएमपी के लिए तो। बट भाई ऐसा मतलब मेरे को बता तो सही, मैंने क्या नहीं, कर दिया? मैं नहीं बता भाई, मैं नहीं बताना चाह रहा बस। अब तो मेरे को फोर्स नहीं कर सकता ना भाई किसी चीज को लेके। अब इसके बाद मेरी और बल्की की कॉल पे बात होती है, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आता और वो थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है। जब मेरे से रुका नहीं जाता तो फाइनली मैं इस चीज की एक मीटिंग बुलाता हूँ सारे असेंबली मेंबर्स को बुलाकर। और ये जो लड़ाई हुई थी, ये लड़ाई हुई थी हमारी 31 मार्च को। तो बाकी असेंबली मेंबर्स को भी ये लग रहा था कि हम उनका अप्रैल फूल बना रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं। सीधी बात है, हम दोनों की जो है सच में जेन्युइन लड़ाई हो रही है। तुम्हें अभी अगर इसको सीरियस लेना है तो सॉल्व करो। अरे नहीं भाई, देख 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 देख, अरे भाई सॉल्व, अगला बंदे ने ब्लॉक कर रखा है मेरे को, कैसे कर लूं? अरे देखो भाई, अरे कॉपी भाई है क्या? कॉपी भाई एक बार, अभी एक बार जब हमने एसएमपी बनाई थी तब एक बार और लड़ाई हुई थी, तुम्हें याद है जब कॉपी भाई बैठे थे? वो पता है, हमको भी पता है, ठीक है। तो तब एक तब की बात हुई थी, तब मैंने इसको पर्सनल में समझाया था, तब भी इसने नहीं समझी थी, ठीक है। और फिर जब मैंने आके सबके सामने बोल दिया तब इसको बुरी लगी वो बात, कि भाई तूने सबके सामने क्यों बोल दिया, ये कर दिया। अब जब मैं इसको पर्सनल में समझाने गया तब ये उस बात को सीरियस नहीं ले रहा और मतलब ऐसे गाली वगैरह दे रहा है। और फिर जब मैंने अनाउंसमेंट डाल दी इस बार भी, तो फिर इसकी मतलब वो हो गई कि भाई अनाउंसमेंट क्यों डाली, सबको क्यों डाली, प्राइवेट में बात कर लेता। अरे ये तो बताओ बात क्या हुई, हमको यही नहीं समझ रहा ना, यही तो बताओ। अरे भाई बहुत सारी बात यार, मैं क्या क्या बताऊंगा, बताओ क्या भाई। बता देना, बता दे अब क्या क्या फायदा, तू यहाँ पर्सनल नहीं करना चाहता सॉल्व, तो भाई बता दे मेरे को क्या। मैंने तो तेरे को बताई मैंने, तूने तू सीरियस नहीं ले रहा बात को, तो अब मैं क्या बताऊँ? बता बात बता ना भाई, सीरियस लेने वाली बातें है ही नहीं। तो गाइस बल्की और मेरी लड़ाई हो चुकी थी एंड मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। और अभी आपके दिमाग में आया होगा कि जब मेरी बल्की से लड़ाई हुई थी तो मैं एसएमपी मेंबर्स के बीच में आके हम ये लड़ाई क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मैं और बल्की लोयल एसएमपी के ओनर है। और दैट्स व्हाई मैं नहीं चाहता था कि मैं बल्की के साथ और रहूं, तो मैं बोल रहा था कि भाई मैं लोयल एसएमपी से निकल रहा हूं। लेकिन तभी सारे एसएमपी मेंबर्स पूछने लगते हैं कि आखिर तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी लड़ाई हो चुकी है। तो गाइस मैं बताता हूँ सबसे मेन इंसिडेंट जहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगा, ठीक है। हमारा गोवा में डे मतलब अगला डे था और हमने स्कूटी रेंट पे दी थी, 3 स्कूटी,
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे साथ जो गए थे बंदूकबाज भाई, वो एक स्कूटी पे थे और वो आगे निकल गए थे और मैं और ये साथ चल रहे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जिस स्कूटी को मतलब मैं चला रहा था वो मतलब थोड़ी पुरानी सी थी और हम हाईवे पे चल रहे थे कि स्कूटी चल रही होगी 70-80 पे और मैं भी 60 पे चल रहा। अब हाईवे से हम उतर ही रहे थे तभी आगे मतलब थोड़ी आगे चल के रेड लाइट आ गई और जब मैंने उस स्कूटी के ब्रेक मारे तो वो लगे नहीं क्योंकि उसके ब्रेक जो थे वो बिल्कुल ढीले हो रखे और मैंने रोकते 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 मेरे सामने मतलब गाड़ी में ठुकते ठुकते बचे, मतलब बहुत बुरा एक्सीडेंट होता, मतलब मैंने बचा ली किसी तरीके से। और मैंने फिर जब पिछले मतलब ब्रेक से नहीं रुकी तो मैंने आगे वाले ब्रेक मारे और उससे क्या हुआ स्कूटी फिसल गई और मैं गिर गया वहां पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अब ये भी रेड लाइट पे रुक गया था तो अगर कोई होता, ये कोई भी होता, मैं किसी को जानता हूं या मेरा दोस्त कहीं गिरता तो मैं उसको उठाने आता और ये वहां पे कर रहा है, ये वहां पे खड़ा होकर हंस रहा है मतलब कि भाई गिर गया ये वो यार मैं हंस रहा हूं कि मेरी क्या गलती यार, मैं फिर उठाया था तो भाई तो एक्सीडेंट कैसे हो सकता है भाई, मैं वहां मर सकता था भाई, मैं अरे भाई मर जाता तो तू उठाने भी नहीं आया भाई, तू उठा तू वहां हंस रहा भाई इतने लोगों के बीच में खड़े होकर, मैं वहां भाई गिरा हुआ हूं तू हंस रहा है वहां पे खड़ा होकर, भाई आया था यार नहीं आया तू नहीं आया तू नहीं आया भाई, मैं वैनम को बुला के बोलूं, वैनम भी तो थी वहां पे, मैं उसको बुला अब भी उसके वेंडी टू बिकम दैट गाय डोंट रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर भाई, मैंने भाई ये उतरा तक नहीं स्कूटी से पता है इसमें मैं एकदम से गिरा, मेरे को लगा जानबूझ के गिरा पहली बार, ठीक है मतलब मैं हाईवे पे जानबूझ के गिरूंगा ना, मेरे को सपने आ रहे हैं, मैं बोलूंगा चलो भाई बोर हो रहा हूं, हाईवे के साइड का रोड था, अरे तो वही तो मैंने बोला, हाईवे से जब उतरे थे हम उसके बाद रोड आई थी वहां रेड लाइट, हाईवे पे रेड लाइट नहीं होती मेरे को ही पता है, तो भाई बातें घुमा रहे फालतू में, भाई वहां पे खड़ा होकर हंस रहा मैं गिरा हुआ, ये हंस रहा भाई कोई जानबूझ के क्यों गिरेगा, मैं मतलब मेरे को दो रोड रहे कि चलो भाई बहुत देर से ड्राइविंग कर रहा हूं अब गिर जाता हूं, जिस स्टाइल से गिरा था मेरे को लगा कि तू जानबूझ के गिरा, वाह मतलब मैं वहां इतने सारे लोग खड़े नहीं, वहां इतने सारे लोग खड़े मैं बोलूं चलो यार इनका एंटरटेनमेंट के लिए गिर जाता हूं मैं काम करता हूं, कोई बात नहीं पता चल गया कि मतलब जानबूझ के नहीं गिरा था, कोई बात नहीं आप बल्कि जो सॉरी बोल लेगा टेडी पे इस बात, और ठीक है सॉरी बोल चुका भाई मान नहीं रहा, नहीं 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 ठीक है अब और बात बताता हूं ना, एक बात और क्या हुई कि अभी रिसेंट में युग ने बोला था पता नहीं सैनपाई वगैरह को वीडियो वगैरह बनाने के लिए, सैनपाई ने मना कर दिया, फिर इसमें मेरी गलती नहीं, ठीक है तो मैं बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं भाई, मैं आ रहा हूं, उसके बाद क्या हुआ गोवा में हमारी बात छड़ी मतलब लास्ट वाले दिन ही रिसेंट पे मैं और बल्कि गोवा गए थे, तब मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जो कि मैंने बीच में बताया और वो चीज मेरे को काफी ज्यादा हर्ट हुई, तो वो मैंने सबके सामने रखी और मैंने ऐसी बहुत सारी बातें रखी, अब ऑब्वियसली सारी बातें तो मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता लेकिन कुछ मेन चीजें जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, मॉन्यूमेंट तो साथ में ढूंढ रहे थे भाई, वो मतलब पहले की बात है, डे 1 की बात है, उस दिन कुछ डे 2 से साथ, उसके बाद तुमने शायद ही मेरी और इसके साथ में स्टोरी देखी होगी कोई सी, अब यहाँ पर PhD भाई ने मेरी इंस्टा स्टोरी देखी जो कि मैंने और बल्कि ने गोवा पहुंच के डे 1 पे डाली थी, भाई मिला के सी मॉन्यूमेंट मिल के मुझे उठो भाई तो यहाँ पे उन्होंने इस बात को बोला लेकिन तब मैंने क्लियर करा कि भाई वो डे 1 की बात थी एंड इसके बाद तो फिर हमारा गोवा में सब कुछ बिगड़ते ही चला गया और हमारी लड़ाई होती गई। अब यहाँ पे मैं रखता हूँ सबसे बड़ी दूसरी बात जिसकी वजह से बल्कि से मेरी लड़ाई होती है, जब तू मेरे घर पे आया था एक बार सबसे फर्स्ट टाइम, तो मैंने तेरे को बोला था भाई साथ में कुछ SMP वगैरह बनाते हैं, तूने बोला नहीं भाई मेरे पास में SMP बनाई थी मेरा बहुत खराब एक्सपीरियंस है लड़ाई वगैरह हो जाती है, ठीक है तो उसके बाद तूने बोला नहीं बनाएंगे, फिर मैंने बोला ठीक है भाई तेरे को जब भी बनानी है बता दो, हम कोई लाइफ स्टाइल SMP बनाएंगे क्योंकि मेरी एक SMP बनी हुई है ऑलरेडी, तो वैसे तो हम बनाएंगे नहीं, हम अलग ही बनाएंगे लाइफ स्टाइल वगैरह की, तो बोला ठीक है। उसके बाद जब हमने SMP बनाई साथ में, ठीक है नाम हमने साथ में बैठ कर डिस्कस किया था, उसके बाद बहुत सी वीडियो डली जहाँ पे मतलब वो ऐसे क्लेम करते कि तू इकलौता ओनर है मतलब सर्वर का, तो उस चीज को सुन के इग्नोर कर देता, तो उस चीज के ऊपर कभी कुछ नहीं बोलता, रीजन अगर मैं बोलूंगा तो फिर वही है कि भाई बात वही आ जाएगी कि टैडी का नाम नहीं लिया, वो नाम नहीं लिया, इसलिए मैं चुप रहता हूँ भाई, सामने वाले को मैं कैसे बोल दूँ तो मेरा नाम मत ले टैडी का नाम ले, कितना स्टूपिड साउंड करेगा अगर उसकी वीडियो में बोलता हूँ, चल नहीं भाई एक बात बताओ गाइस ये जो मैंने बात रखी है स्टूपिड है कि नहीं। अब जहाँ पर मैं लोयल SMP के ओनर से रिलेटेड कुछ सवाल रखता हूँ जिसमें सब अपने अपने डिफरेंट ओपिनियन देते हैं, और इसके बाद मेरा डिसीजन तो पक्का था कि मैं SMP छोड़ रहा हूँ, बल्कि वो कंटिन्यू करनी है तो वो कर सकता है लेकिन मेरा पक्का है कि मैं छोड़ रहा हूँ, ऐसे नहीं होता, तो भाई बात मेरा डिसीजन हो चुका है फाइनल, देखो मेरी पहली भी लड़ाई हो चुकी है उस दिन भी हुई थी और आज दोबारा हो रही है, तो भाई मैंने अपना बात रख दी कि मैं नहीं कर रहा कंटिन्यू SMP में, मैं कोई दूसरे SMP ज्वाइन कर लूंगा। बात बताओ टेडी, डू यू थिंक कि इट इज वर्थ इट, आई नो कि फीलिंग्स एंड ऑल इन्वॉल्वड है, दोस्त है, लड़ाई हुई है, बातें हुई है, बट टू थिंक अबाउट इट प्रैक्टिकली आपने इस SMP में सबसे ज्यादा वीडियोस डाले, ओवर टाइम काफी मेहनत की है, तो आई नहीं बात हुआ, देखो मेहनत तो सबने करी है शायद, मेरे को नहीं पता सबने करी है, बट अगर किसी को भी निकाल दे, किसी को भी निकाल दे SMP में से जिन लोगों ने मेहनत करी है, SMP नहीं रहेगी जो हुआ करता, कोई भी डीएक्स नहीं होगा भाई, हर बार हर दूसरे दिन की लड़ाई हो जाएगी, कोई फायदा नहीं, हाँ छोड़ो 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 भाई, SMP को बंदी करता है किसको जिसको वो तुम्हारे डिसीजन है, तुम्हें चलानी है, मैं तो कुछ नहीं, बट मैं भी नहीं हूँ
जाऊंगा। देखो 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 देखो, आई डोंट थिंक सो तुम लोग ये प्रैक्टिकली इस बात में सोच रहे हो। अरे नहीं, तो एक्शन भाई बहुत ज्यादा, एक्शन भाई बताए, एक्शन भाई बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं बता रहा हूँ, कुछ बातें पर्सनल रहे तभी अच्छा है। ये मैंने बस ऐसी बातें बताई हैं जो मतलब मेरे को लगा कि हाँ चलो ठीक है बताता हूँ, पर बहुत सी ऐसी बातें जो मैं ऐसे सबके सामने नहीं बोल सकता। अब अगेन ऐसी कई सारी बातें थी जो मैं नहीं बताता हूँ, और कई ऐसी बातें थी जो कि हुई लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ, तो बात ऐसे कि भाई तुम्हें चलाने हैं, चलाओ खेलो, मेरा कोई वो नहीं है क्योंकि सबने मेहनत करी है, तुम्हें खेलता हूँ खेलो, मैं चलता हूँ भाई, ठीक है, बाकी मेरे यहाँ से किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कभी किसी में जरूरत पड़े तो। लेट्स नॉट जंप टू द कंक्लूजन, आई थिंक सो, बस मेरा एक सजेशन है कि तुम दोनों एक लंबा ब्रेक लो, एक दो दिन का, खुद बाकी कंटेंट में फोकस करो, आफ्टर एक दो दिन दूंगा अपना वो बताऊंगा बात, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, किसी को कुछ दिक्कत है वो अभी बोल सकता है, कोई अपनी बात रखना चाहता है तो अभी रख सकता है, मैं जा रहा हूँ, मतलब मेरा हो गया, मतलब बेसिकली ऐसे मेरा भी हो गया, मैं भी लीव कर रहा हूँ, ये नहीं खेला तो मैं नहीं खेला सीधी बात। एक सेकंड वेट, हाउ डस दैट मेक सेंस, बल्कि बल्कि स्टिल इज सेइंग कि टेडी अगर नहीं खेल रहा देन ओनली बल्कि नहीं, या मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, नहीं बल्कि जस्ट सेड दैट टेडी अगर नहीं खेलेगा देन बल्कि नहीं, या इसका मतलब बल्कि स्टिल वांट्स टेडी टू प्ले इन द सर्वर। ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ भाई, मैं चाहता हूँ सोल्व हो जाए, अगला मान नहीं रहा भाई, कब से चल रहा है भाई, क्या एक हफ्ता हो गया भाई लड़ाई को, पूरी ट्रिप की भाई क्या कहते हैं उसे, दिमाग खराब कर देता पूरी ट्रिप पे। एंड व्हाट अबाउट टेडी, टेडी का भी क्या, मेरा उससे नहीं फर्क पड़ता भाई, उससे नहीं फर्क पड़ता, मेरे से उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं जानता हूं उसे, कैरियर इसने उसे इसलिए से फर्क नहीं पड़ता। पर गाइस अब आते हैं सबसे मेन बात पर, जिसकी वजह से मेरा मूड खराब हुआ और जिस वजह से मैंने ये डिसीजन लिया कि आखिर मैं लॉयल एसएमपी में क्यों नहीं खेलूंगा और क्यों मैं लॉयल एसएमपी छोड़ रहा हूं। तो मैं बताता हूँ, देखो भाई सबसे मेन बात बताता हूँ मैं आपको, हमने रात को डिनर के लिए बोला कि मेरे को मतलब रोटी खानी थी, ठीक है, तो मैंने बोला कि मैं तीन रोटी खाऊंगा, और जब ऑर्डर करे थे तब इसने कुछ नहीं बोला ये मतलब खाए, ठीक है, मतलब इसने नहीं बोला था तब कि ये कि मतलब क्या खाएगा, इसने मना कर दिया था। फिर जब मेरा खाना आया तो इसने मेरे खाने में से उठा के एक रोटी खा लिया, बताओ ये कहाँ की बात हुई, बल्कि सीरियसली ये मजाक है भाई, सच में मजाक है भाई, ये मजाक है, ये तो मजाक हो गया भाई, खत्म करो भाई, बस भाई बस हो गया भाई, ये ज्यादा कर दिया भाई, एक रोटी में झगड़ा हो गया गाइस, खत्म, एक रोटी खा ली ब्रो भाई, कौन कौन फंसा है इसमें भाई, ये ज्यादा फंसा डीएक्स डी भाई फंसा, ये रोटी भाई बिल्कुल नहीं फंसा भाई। तो गाइस अप्रैल फूल, अब सच सच बताने कितने जनों का अप्रैल फूल, और साथ साथ गाइस मैं आपको बता दूं कि जितनी भी बातें यहाँ पर मैंने और पलकी ने बोली ये सारी की सारी फेक है, यस ये हमारी प्लानिंग थी सारे एसएमपी मेंबर्स को अप्रैल फूल करने की। अब देखो सब अपने अपने तरीके से अप्रैल फूल कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी सबको अप्रैल फूल करूं, मैंने सारे एसएमपी मेंबर्स को अप्रैल फूल किया एंड आपको भी बनाया। एंड हाँ गाइस, गोवा की बातें बहुत ज्यादा आई बीच में, तो अगर आपको हमारे गोवा के ब्लॉग्स देखने हैं जिसे मैं और बल्कि और हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, तो आपको मेरे ब्लॉग वाले चैनल अनुज चौहान पे ये वाले ब्लॉग्स देखने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर एंजॉय कर सकते हो। सारे एसएमपी मेंबर्स को अप्रैल फूल बनाने से पहले मैंने ये चीज बल्कि पे ट्राई करी थी और देखो उसका रिएक्शन क्या था, मैं कंफ्यूज हूं इस टाइम भाई, मैं भाई देख और बात है, देख तेरे को याद है दूसरे वाले दिन हम किसी होटल पे खाना खाने गए थे, याद है गोवा, गोवा पे नहीं गोवा, दूसरे दिन जो हम पहले वाले होटल में खाना खाने गए थे, हां हम लोग खाए तो था, है ना, तो वहां पे तूने मेरी एक रोटी उठा के खा ली थी जबकि रोटी मैंने मंगाई थी। अबे चल मजाक कर रहा भाई, अच्छा ले रोटी, अबे यार छी यार कितना गंदा एक्टर है भाई, छी यार रोटी, यार रोटी की बात बोली ना तेरे, छी यार नहीं भाई कैसे लगा तेरे को मेरा मतलब प्रैंक घटिया तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक वीडियो बना रहा था
ऐसे करके कि लॉयल एसएमपी ऐसे बंद हो रही है क्योंकि हम दोनों की लड़ाई हो गई है। अब यही सेम प्रैंक हमको सारे एसएमपी मेंबर्स पे करना है और देखना है कि उनका क्या रिएक्शन होगा। अरे अरे भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो गाइस देखा आपने किस तरीके से मैंने बल्कि को सबसे पहले अप्रैल फूल बनाया एंड देन उसके साथ मिलके मैंने सारे एसएमपी मेंबर्स को अप्रैल फूल बनाया। वो स्टार्टिंग में बन नहीं रहे थे लेकिन उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा मतलब कुछ डार्क बातें रखी जिसकी वजह से उनको लगने लगा था एक बार को कि हां शायद सच में लड़ाई होगी। तो यस गाइस यही थी आज की वीडियो, मतलब मैंने कुछ न्यू ट्राई करा, उम्मीद करता हूं आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसा कमेंट करके जाना कि जिससे सबको लगे कि हां सच में लड़ाई होगी। तो चलो गाइस मैं मिलता हूं आप सबको ऐसे कोने कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी इन द नेक्स्ट। पीस।